हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। विंटर आने को है, ऑलमोस्ट आ चुका है और अब गार्डन में होगी फूलों की बहार। ऐसे पौधे जो कि गार्डन में फूलों के साथ साथ रंग भर देंगे और हमारे गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये विंटर के प्लांट होते हैं कुछ समय के लिए, थोड़े ही टाइम के बाद ये पौधे सारे ख़त्म हो जाते हैं और हमारा गार्डन फिर से वीरान हो जाता है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ विंटर प्लांट लगा के हम अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद हमारा गार्डन वीरान हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम विंटर प्लांट के साथ साथ अगर हम ऐसे पौधे लगाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो, खूबसूरत पत्तियों वाला हो, कि जब विंटर प्लांट चला जाए तब यही कलरफुल पत्तियों वाला पौधा हमारे गार्डन को कलरफुल बना के रखे, खूबसूरत बना के रखे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ पौधे आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके गार्डन में कलर भर देगा और पूरे साल आपके गार्डन को खूबसूरत बनाए रखेगा। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स क्रोटोन। क्रोटोन आप देख सकते हैं कितना ही वाइब्रेंट कलर इसमें आता है। ये येलो वाला जो क्रोटोन का पौधा होता है जिसे येलो डस्ट कहा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है। क्रोटोन में बहुत सारी वेराइटी आती है, बहुत सारे कलर आते हैं, तो आप लगा सकते हैं क्रोटोन के पौधे को जिससे कि आप अपने गार्डन को कलरफुल बना सकें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप कोलियस लगा सकते हैं। कोलियस बहुत सारे कलर में आते हैं। विंटर में इन कोलियस के प्लांट की पत्तियाँ जो है और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है, काफ़ी खूबसूरत दिखने लगती है। तो कोलियस के पौधे भी आप लगा सकते हैं, एक आध वैरायटी भी लगाएंगे तो आपका गार्डन उसी से कलरफुल बन जाएगा। तीसरे नंबर में फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं ये लालसा का पौधा। अल्ट्रोनेंट्रा की एक वैरायटी है जो कि काफ़ी खूबसूरत वाइन कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है। इसे हम हैज बना सकते हैं, मैं भी वही बना रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मैंने बना लिया है, तो इसे भी मैं हैज बना रही हूँ। तो इसे भी आप लगा सकते हैं जो कि गार्डन में कलर ऐड करता है। नेक्स्ट, इसी के साथ अगर आप ग्रीन कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फर्न के पौधे लगा सकते हैं जो कि मैं लगा रखी हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे भी मैं एक रॉ की ही तरह ग्रो करना चाह रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत लगेंगे जब ये एक साथ इस तरीके से रॉ बन जाएंगे। तो गार्डन को सिर्फ फूलों से नहीं, पत्तियों वाले पौधे से भी हम खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहें तो हम अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है रियो। रियो में भी काफ़ी सारे कलर होते हैं जो कि हमारे गार्डन को कलरफुल बना देते, गार्डन में काफी सारा कलर ऐड कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सर सिंगोनियम। सिंगोनियम में जो ग्रीन वाली वैरायटी होती है आप वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पिंक सिंगोनियम लगा सकते हैं और भी ढेरों वैरायटी सिंगोनियम की आती है, आप लगा सकते हैं गार्डन में कलर ऐड करने के लिए। अगला आप देखेंगे यहाँ डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन वैसे तो वेरीगेटेड इसके ग्रीन और वाइट ही होते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड आने लगती है इसमें आप देखेंगे इस तरीके से ग्रीन भी, इस तरीके से इसमें पिंक कलर भी ऐड होने लग जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप डेविल उनकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पौधा फ्रेंड्स चाइनीस एवरग्रीन का। चाइनीस एवरग्रीन भी आपके गार्डन में एवरग्रीन रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत जल्दी फैलता भी है, तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं कलर ऐड करने के लिए। अगला पौधा है फ्रेंड्स वांडरिंग ज्यू। वांडरिंग ज्यू तो बहुत ही कॉमन सा प्लांट है और इसे हम अपने गार्डन में जरूरी ऐड करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा सा कलर हमारे गार्डन में इससे ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी काफ़ी खूबसूरती हमारे गार्डन में ऐड करता है। ये आप देख सकते हैं इसमें कई सारी वेराइटी है मेरे पास और 3 या 4 वेराइटी के मेरे पास स्वीट पोटैटो वाइन के पौधे हैं जो कि काफ़ी अच्छे से कलर मेरे गार्डन में इस पौधे से ऐड हो रहा है। तो आप स्वीट पोटैटो वाइन को भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में जिससे कि आप कलर ले सके, अपने गार्डन को कलरफुल बना सके। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है क्लैडियम। क्लैडियम का वैसे तो विंटर सीजन में इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप इसे लगा सकते हैं। जब विंटर ख़त्म हो जाए तब आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं क्योंकि इससे भी हम अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना पाते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स पर्पल हार्ट का। पर्पल हार्ट के पौधे को भी फ्रेंड्स आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए जिससे कि आप ये खूबसूरत वाइन कलर जो है अपने गार्डन में ऐड कर सकें और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं जिससे कि आप अपने गार्डन को खूबसूरत भी बना सकेंगे। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये सिल्वर डस्ट का। सिल्वर डस्ट के पौधे अगर आप परचेज़ करना चाहें तो अभी विंटर सीजन में परचेज़ कर सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे अभी विंटर सीजन में ही मिलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर इसमें उभर के आता है। जैसे विंटर आने लगता है वैसे वैसे इसका कलर एकदम से उभर के आ जाता है, पूरे साल रहता है। तो आप इस पौधे को भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, एक अलग सा लुक
क्रिएट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स एग्लोनीमा के पौधे को भी फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये शेड लविंग प्लांट है, हल्की फुल्की धूप में रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। तो एग्लोनीमा के पौधे को भी ऐड करके आप गार्डन में काफ़ी सारा कलर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कलर इसमें होते हैं, काफ़ी अच्छा पौधा है। बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी में इसे लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप इस पौधे को ग्रो कर सकेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लकी बैम्बू, इसे नॉर्मली पानी में ग्रो करके हम घर के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन आप इसे मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने मिट्टी में लगा रखा है और इसे थोड़ी हल्की फुल्की धूप मिले, छन छन के धूप आए, ऐसी जगह रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है और काफ़ी खूबसूरत कलर हम अपने गार्डन में ले पाते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स मनी प्लांट का। मनी प्लांट में जो नॉर्मल वाली वेराइटी होती है ये ग्रीन वेराइटी होती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये है गोल्डन मनी प्लांट। इसी तरीके से फ्रेंड्स आता है ये एंजॉय फोटोज भी आप लगा सकते हैं, जो कि गार्डन में कलर और एक अलग सा लुक ऐड क्रिएट करता है और गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं फाइलोडेंड्रॉन की हर्ट शेप वाली वेराइटी। फाइलोडेंड्रॉन में काफ़ी सारी वेराइटी आती है, इसी में से ये एक पौधा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके लीव्स हर्ट शेप के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट सा होता है, येलो ग्रीन वाइट ऐसे कुछ कलर इसमें मिक्स होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अलग सा लुक क्रिएट करने के लिए। फाइलोडेंड्रॉन में ये भी एक वेराइटी है जो कि लाइम लेमन फाइलोडेंड्रॉन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी जब न्यू लीव्स निकलती है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को भी लगा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ग्रीन येलो और हल्का सा वाइट कलर का इसमें लाइनिंग होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक इससे आता है। तो आप इसे भी ज़रूर लगाएं जो कि गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स अल्ट्रानेंथ्रा की ढेर सारी वेराइटी। अल्ट्रानेंथ्रा में जितनी भी वेराइटी आती है लगभग सारी वेराइटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी अल्ट्रानेंथ्रा की वेराइटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। विंटर में इसके कलर बदल जाते हैं जो कि बहुत सुंदर लुक आता है। और ये जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड वाला है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लुक देता है गार्डन में। साथ ही साथ आप गोल्डन हैज के भी पौधे जो कि अल्ट्रानेंथ्रा की ही एक वेराइटी है, इसे भी लगा सकते हैं, इसे भी आप हैज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो इस तरीके से कुछ पौधे हैं फ्रेंड्स जिसे लगा के आप अपने गार्डन को कलर से भर सकते हैं, कलरफुल गार्डन बना सकते हैं। फूलों से तो हम सभी गार्डन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन फूल हर वक्त नहीं खिलते हैं। जब फूल नहीं होते हैं तब यही खूबसूरत पौधे जो होते हैं पत्तियों वाले, यही हमारे गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन पौधों को लगा के सालों साल तक हम अपने गार्डन को खूबसूरत कलरफुल बना सकते हैं और हमेशा अपने गार्डन में रंग भर के रख सकते हैं, जो कि गार्डन को अट्रैक्टिव आई कैचिंग सा लुक देता है और हमेशा गार्डन खूबसूरत बना रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।